Very good morning, my friends. Today we are at Sangla and we are now moving towards Chitkul, which is just 25 kilometers from this place. But the road is amazingly beautiful. मोस्टली ट्रैवल ब्लॉग्स में GoPro की वीडियो देख कर ऐसा लगता है कि रोड बहुत ही नैरो है और काफ़ी स्केरी है, तो यहाँ सेल्फ ड्राइव करना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद हाँ एक्सेप्ट करता हूँ, थोड़ा कॉर्नरिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन रोड इतनी भी डेंजरस नहीं कि जहाँ पर आप ड्राइव नहीं कर सकते। इफ़ यू आर लिटिल एक्सपीरियंस विद द गार्ड्स देन यू कैन ईजिली ड्राइव ओवर हियर। असली सफ़र का मज़ा कहीं पहुंचने पर नहीं बल्कि वहां जाने वाले रास्तों पर ही होता है। ऑन द वे टू चितकुल फ्रेंड्स, वेलकम टू MJ77 व्लॉग्स। आज कल रात का स्टे हमने सांगला में किया और आज हम लोग चितकुल के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप ग्लेशियर से सारे सामने तो पानी मेल्ट होती है यहाँ से। चितकुल इंडिया का लास्ट विलेज है, तो वो इंडिया का लास्ट ढाबा मतलब बोलते हैं यहाँ पे, वो भी यहीं पे, क्योंकि यहाँ से आगे TBTN चाइना बॉर्डर है। तो अभी वहाँ पे फोटो खींचेंगे और फिर आगे चित्र के लिए निकलेंगे। We have reached to the Chitkul. This is the last halt. You can see the bus stand. Yeah, la. So we have entered to Chitkul and on the way to a temple. This is the temple. और ये पहाड़ों का पानी। होस्टल टेम्पल है और शायद हम लोग रास्ता, हाँ चितकुल का टेम्पल है भाई, देवे थोड़ा सा रास्ता भटक के। ट्रेडिशनल डांस कोई फंक्शन है यहाँ पे। चितकुल में एक पुराना किला बोलते हैं इसे, खैर ये तो बहुत ही छोटा है, बंद है, बट है तो सुंदर।
ये है किला और ये माता का मंदिर है सामने, जहाँ से हमने अभी डांस सीखा। और गांव में क्या है वो देख लेते हैं। वहां एक सर बना हुआ है छोटा सा, पहाड़ों से जो पानी नीचे आ रहा है उस पानी का उपयोग करके इन्होंने एक वाटर टर्बाइन बनाया हुआ है। तो पानी नीचे आ रहा है, धीमे जा रहा है, ऊपर आकर देखते हैं, हम ऊपर आके देखते हैं। पहाड़ों से जो पानी नीचे आ रहा है उस पानी का उपयोग करके इन्होंने एक वाटर टर्बाइन बनाया हुआ है। तो पानी नीचे आ रहा है, घूमे जा रहे हैं, ऊपर आकर देखते हैं, हम ऊपर आके देखते हैं। गाइस तो ऊपर आने वाले पानी से ये चक्की पीस रही है। अच्छा पानी से एक मस्त काम किया है देखा। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस चिटकुल। सोलर पैनल, डिश टीवी भी है, बर्तन पीतल का बना हुआ है दोनों भी। क्या साइज है देखा, बहुत बड़ा। पहुंचे यहाँ पे जो चितकुल का पोस्ट ऑफिस है, पिन कोड है 172106। और क्योंकि चितकुल भारत का ये आखिरी है, इसके बाद टिबेटियन बॉर्डर है, तो ऑब्वियसली ये पोस्ट ऑफिस भी आखिरी पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस पे हम यहाँ स्टैम्प कलेक्ट करने के लिए आए। वैसे तो ये बंद है, 3 बजे खुलता है, लेकिन चाचा जी ने हमारे लिए खास खोला और कहा आपको मैं स्टैम्प और लेटर देता हूँ। तो ये चितकुल से अभी लेटर लेंगे। टू से नाउ ली और दूसरी कड़े विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ये स्टैम्पिंग किया जा रहा है इस लेटर के लिए विद लव फ्रॉम चितकुल। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने ये पोस्ट बॉक्स ओपन करके हमें लेटर्स दिए, थैंक यू सो मच। एंट्री पॉइंट है, फिर यहाँ बसें वगैरह रुकी हैं और ये सामने SBI का बोर्ड है और बिल्कुल वहीं पर ही वो इंडिया का आखिरी ढाबा और पोस्ट ऑफिस कुछ लिखा है। सो लेट्स सी। तो ये है, देखते हैं क्या है नीचे।
ये आखिरी ढाबा हिंदुस्तान का। उसकी है राइस प्लेट। क्योंकि अदरवाइज तो उस गांव में कुछ है नहीं, बस हम क्रॉस ही हो रहे हैं, बस हम अगर तुम इसको भी हाईवे बना दोगे तो फिर तुम्हें बाहर आने का वो मजा भी नहीं लगेगा।